नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बताएंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो आगे चल करके आपको बोनस और अच्छा डिविडेंड दे सकता है। बेहतरीन डिविडेंड देने वाला शेयर है और बेहतरीन बोनस, तो दोनों एक साथ आपको मिलेगा, बोनस शेयर भी और डिविडेंड भी। तो दोस्तों सबसे पहले हम कंपनी के फंडामेंटल्स को जानेंगे और डिफरेंट जो इसके डिफरेंट रेशियोज है उसको जानेंगे कि कंपनी इन सारे फंडामेंटल्स पर कैसा है, और साथ ही साथ इसके टेक्निकल एनालिसिस को भी जानेंगे, कंपनी का लेवल्स और टारगेट क्या हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे आपको किस प्राइस पर इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले कंपनी का वैल्यूएशन देख लीजिए। कंपनी का वैल्यूएशन है 1,76,000 करोड़, मतलब एक ब्लू चिप कंपनी है। तो एक ब्लू चिप कंपनी इसमें आप तो बोलेंगे उतना मल्टी बैगर रिटर्न नहीं मिल सकता है, लेकिन दोस्तों अगर ब्लू चिप कंपनियां और ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, जिस तरह से अभी आप रिलायंस को देख रहे हैं, रिलायंस बहुत बड़ा एक मल्टी बैगर बनने वाला है आगे, उसी तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको इंडिया में देख रहा है कि ये मल्टी बैगर बन चुका है, मतलब इंडिया में एक ब्लू चिप कंपनी बन चुका है, ये अपने बिजनेस को और सारी कंट्री में एक्सपेंड करता है, तो समझ जाइए इसमें कितना ग्रोथ होगा आगे। तो वही बात है, ये ब्लू चिप कंपनी है, लेकिन आगे अगर इसका 2,00,000 करोड़ मार्केट कैप से 10,00,000 करोड़ हो जाता है तो आपको कितना मिलेगा, 5 times मल्टी बैगर रिटर्न। तो समझ जाइए इतना बड़ा मल्टी बैगर। और सबसे बड़ी बात है, इन सब कंपनियों में आपका जो अमाउंट होता है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। आप एक बार इन्वेस्ट कीजिए और भूल जाइए, बस इसके बिजनेस को ध्यान में रखिए, कंपनी में कोई फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम नहीं आए, कंपनी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आपको लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। साथ ही साथ देखते हैं 500% का डिविडेंड है इसका, फेस वैल्यू 2 है, मतलब 10 rupees डिविडेंड भी देता है पर ईयर आपको, अर्निंग पर से 35 है। तो इस तरह से आप सारे फंडामेंटल्स पैरामीटर्स यहाँ देखते हैं। उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन पे चलते हैं। 17 जुलाई को इसका रिजल्ट आया था, जून क्वार्टर का रिजल्ट काफी बेहतरीन था, मतलब फ्लैट ही था। तो अभी आप समझ सकते हैं इस पैंडमिक सिचुएशन में अगर किसी का रिजल्ट फ्लैट होता है तो काफी वो अच्छा है। उसके बाद आप डिविडेंड देख सकते हैं, 2020 में 2 बार डिविडेंड दे चुका है, 100% मतलब 4 rupees डिविडेंड आपको दे चुका है। उसी तरह 2019 में देख सकते हैं 3 बार आपको डिविडेंड दिया, 100% व्यू मोड पर क्लिक करके, और आप देख सकते हैं कब कब ये डिविडेंड दिया है आपको, मतलब कब कितने बार डिविडेंड देता है हर साल। तो काफ़ी बेहतरीन है और डिविडेंड का जो रिकॉर्ड है काफ़ी बेहतरीन है इस कंपनी का, रेगुलर डिविडेंड हमेशा पे करते आई है, देखते हैं आप रिकॉर्ड इसका। उसके बाद बोनस शेयर तो देखते हैं, 2019 में बेवर 15 में बोनस, 2006 में बोनस, तो रेगुलर इंटरवल पे आपको बोनस दिया है, साथ साथ स्प्लिट भी। तो 2020 में देखते हैं स्प्लिट क्या है, स्टॉक को स्प्लिट किया है 4 rupees फेस वैल्यू से 2 rupees में, मतलब आपका शेयर कर दिया 2 गुना जितना था, मतलब फेस वैल्यू आधा तो आपका जो शेयर होगा वो डबल हो जाएगा। अब बोनस भी रेगुलर इंटरवल पर दिया है हमेशा। तो ऐसे कंपनियां लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन होती है जो आपको रेगुलर इंटरवल पर बोनस देती है, साथ साथ स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है, अभी भी एक बार बाकी है क्योंकि फेस वैल्यू 1 होना बाकी है, डिविडेंड भी आपको रेगुलर इंटरवल पर दे रही है, मतलब एक साल में 3-4 बार डिविडेंड दे रही है। उसके बाद फाइनेंशियल देख लीजिए कंपनी का। तो हम कंपनी के फाइनेंशियल पर आ चुके हैं, यहाँ पर देखते हैं कंपनी का सेल्स 16,000 करोड़, 17,000 करोड़, 18,000 करोड़, 18,000 करोड़, तो देखते हैं लगातार यहाँ पर सेल्स बढ़ रहा था, मतलब कंपनी ग्रोइंग कंपनी है, इंडियन मार्केट पर इसका काफ़ी पकड़ है, अब ये धीरे धीरे जो फॉरेन मार्केट है उस पर भी अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। तो जून क्वार्टर में थोड़ा सा प्रभावित हुआ है सेल्स, और प्रॉफिट भी थोड़ा सा प्रभावित हुआ पिछले क्वार्टर की तुलना में, लेकिन ईयर ऑन तो देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी जंप है प्रॉफिट में, तो इसका जो कंपनी का है मार्केट पर काफ़ी अच्छा पकड़ है। तो इस तरह से पैंडमिक सिचुएशन का भी कोई खास ज़्यादा फर्क इस कंपनी पे नहीं पड़ा है। तो इसके जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट भी काफ़ी बेहतरीन है इस कंपनी का। तो नीचे चलते हैं, रिजर्व 36,000 करोड़ का देखते हैं रिजर्व है, 30,000 करोड़ पिछले साल था 2019 के फाइनेंशियल ईयर में, और 20 के फाइनेंशियल में हो गया 36,000 करोड़ का रिजर्व, तो रिजर्व काफ़ी बढ़ा है कंपनी का लगातार देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद डेप्ट देख सकते हैं, कंपनी का मात्र 160 करोड़ है, तो 36,000 करोड़ की जिस कंपनी के पास रिजर्व है, 160 करोड़ डेप्ट तो बहुत ही मामूली है, साथ साथ ये जो रिजर्व है जब कंपनी यूज़ करेगा तो आपको क्या करेगा, बोनस शेयर इश्यू करेगा, या तो आपको डिविडेंड के रूप में पे करेगा, कंपनी ऐसे ही डिविडेंड रेगुलर पे कर रही है, तो रिजर्व को क्या करेगा आपको बोनस के रूप में देगा, और रिजर्व को कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में करेगा। ऑलरेडी इंडियन मार्केट पर काफ़ी मजबूत पकड़ है इस कंपनी का, अब ये धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को मतलब अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है फॉरेन कंट्री में भी, और देख सकते हैं डेप्ट मात्र 160 करोड़ है। उसके बाद नीचे चलते हैं,
तो नीचे आपको देखने मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए कैश और बैंक बैलेंस 1291 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस है, जो कि पिछले साल से काफी डिक्रीज हुआ है। उसके बाद नीचे चलते हैं तो करेंट एसेट देख सकते हैं, कंपनी का करेंट एसेट है 4679, मतलब करेंट एसेट पॉजिटिव है और करेंट एसेट काफ़ी डिक्रीज हुआ है, तो ये कंपनी का लिए गुड साइन नहीं है, मतलब हम लोगों के लिए गुड साइन है कि मतलब जो एक साल है आगे का, एक दो साल उसमें कंपनी थोड़ा कम परफॉर्मेंस दे सकते हैं इसके आधार पर, लेकिन और सारे पैरामीटर्स जो है कंपनी के वो काफ़ी बेहतरीन है। बुक वैल्यू देखिएगा, वो ये भी काफ़ी कंपनी का डिक्रीज हुआ है, एसेट डिक्रीज हुआ कंपनी का बुक वैल्यू भी डिक्रीज होगा, एसेट में काफ़ी डिक्रीज हुआ है, देख सकते हैं ऑल टाइम्स यहाँ पर आप देखिएगा पिछले 5 साल में लो है बुक वैल्यू। उसके बाद हम कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज आपको दिखाते हैं, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर में कंपनी का कितना ग्रोथ हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर मार्च फाइनेंशियल ईयर 20 में 33 रुपीज है, जबकि 19 में 59 रुपीज था, अर्निंग पर शेयर काफ़ी डिक्रीज हुआ है, 18 में 52 था, तो यहाँ से देखते हैं पिछले 2 साल से अर्निंग पर शेयर काफ़ी डिक्रीज हुआ है, तो ये सब बातों को ध्यान रखना है, फिर अर्निंग शेयर बढ़ भी सकता है, कंपनी अभी एक्सपेंशन पे अगर ध्यान देती है तो जब कंपनी वहाँ से प्रॉफिट अर्न करेगी तो निश्चित है अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। उसके बाद देखते हैं इक्विटी पर रिटर्न 24%, उससे पहले काफ़ी ज़्यादा था 26% 27% था, अभी 24% है, तो इक्विटी पर रिटर्न काफ़ी बेहतरीन है। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर देखिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड पर रिटर्न और भी काफ़ी बेहतरीन है, तो इस साल सारी चीज़ थोड़ी सी प्रभावित रही है। उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट देखिएगा तो ये तो और भी बेहतरीन है, 21 यहाँ 22 जा चुका है, यहाँ 20 यहाँ पे भी 23, तो देखते हैं काफ़ी बेहतरीन, अभी 16.75 है, तो काफ़ी बेहतरीन है रिटर्न ऑन एसेट भी। और उसके बाद डेप्ट इक्विटी रेशियो देख लीजिए, इसके नीचे डेप्ट इक्विटी रेशियो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि आपको डेप्ट हमने दिखाया मात्र 160 करोड़ है, इक्विटी कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो बिल्कुल जीरो हो गया। उसके बाद आता है करेंट रेशियो, करेंट रेशियो एक तरह से हुआ कि जो एसर्ट बाय लाइबिलिटीज, करेंट एसर्ट बाय करेंट लाइबिलिटीज जो होता है करेंट रेशियो, तो आपको हमने दिखाया ये काफ़ी कम हो चुका है, एसर्ट जो बुक वैल्यू निकालते हैं, करेंट एसर्ट जो लेते हैं करेंट एसर्ट और बुक वैल्यू जो निकालते हैं वो एसर्ट माइनस लाइबिलिटीज, करेंट रेशियो यहाँ देखते हैं ये होता है करेंट एसर्ट बट करेंट लाइबिलिटीज, तो यहाँ पर देखते हैं करेंट एसेट बटे करेंट लाइबिलिटी ये बेहतरीन है, मतलब ये 1.5 हो या 1 के नीचे हो तब दिक्कत होता है, यहाँ 1.69 है तो काफ़ी बेहतरीन है। अब यहाँ हम नीचे जाते हैं तो करेंट रेशियो होता है करेंट एसेट बटे करेंट लाइबिलिटीज, तो एसेट ज़्यादा हो लाइबिलिटीज कम हो तो बेहतरीन है, तो यहाँ पर 1 से ज़्यादा हो रेशियो तो काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1 और 2 के बीच है तो आपका करेंट रेशियो ठीक ठाक है, उसके बाद ज़्यादा ऊपर चलने लगे तो मतलब कंपनी एक्सपेंशन पे ध्यान नहीं दे रही है, देख लीजिएगा 2 से ज़्यादा हो मतलब बहुत ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पर 3 से भी ज़्यादा था तो कंपनी यहाँ पर एक्सपेंशन पे ध्यान नहीं दे रही थी, अब कंपनी धीरे धीरे एक्सपेंशन पर अपने बिजनेस के ग्रोथ पर ध्यान दे रही है, मतलब जो कैश है मतलब जो करेंट एसेट है उसको यूज कर रही है, तो करेंट एसेट बट करेंट लाइबिलिटीज का रेशियो ठीक है, 1 से 2 के बीच होना चाहिए तो काफ़ी बेहतरीन है। तो ये सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स है जिसके आधार पर आपने देखा कि जो करेंट एसेट में थोड़ा सा डिक्रीज है, बुक वैल्यू थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, अब बाकी बाल कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री है, 160 करोड़ कुछ है नहीं है कंपनी के पास, क्योंकि इसका सेल्स आपने देखा, प्रॉफिट आपने देखा 3000 करोड़ का प्रॉफिट है, तो वहां पर डेप्ट 160 करोड़ निगलिजिबल है, आपने रेशियो में भी देखा डेप्ट पूरी तरह से जीरो लिया है डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स काफ़ी बेहतरीन है, और एक टेक्नोलॉजी कंपनी है मतलब IT कंपनी है, और IT कंपनी बहुत ही बेहतरीन IT कंपनी है जो इंडियन मार्केट पर काफ़ी पकड़ है, और ये कंपनी है हमारा SCL टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और इंडियन मार्केट पर इसकी काफ़ी ज़्यादा मजबूत पकड़ है, तो ऐसे बेहतरीन कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करनी है, तो अगर अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो आपको आगे हम वीडियो में लेवल्स और टारगेट बताएंगे कि कहाँ तक इसका टारगेट हो सकता है, कौन से लेवल पर आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, अगर अभी तक आपने जीरोधा में डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन देंगे लिंक से जाइए, अभी जीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए, क्योंकि ये नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है, यहाँ पर आपको बेहतरीन देख सकते हैं चार्ट देखने मिलता है, आपको यहाँ पर इंटरडे में सारे मतलब चार्ट को अच्छी तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ डिलीवरी बिल्कुल जीरो है और इंटरडे में आपको मैक्सिमम 20 रुपया चार्ज मात्र लगता है, तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से ओपन कीजिए। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले RSI, तो RSI यहाँ पर ओवरबाउट होने का सिग्नल दे रहा है, लेकिन यहाँ पर RSI में जो वीकनेस आ रहा है, वीकनेस मतलब RSI का जो स्ट्रेंथ है
जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है, तो वीकनेस आ रहा है RSI में धीरे धीरे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं वॉल्यूम काफ़ी बढ़ा है, यहाँ पर देखते हैं वॉल्यूम काफ़ी यहाँ पर बढ़ा है, जैसे ये ब्रेकआउट यहाँ से दिया इसमें वॉल्यूम काफ़ी तेज हो गया, तो काफ़ी वॉल्यूम ह्यूज वॉल्यूम के साथ आया है ये ब्रेकआउट। तो हो सकता है यहाँ से प्राइस आगे भी जाए, अगर मार्केट में करेक्शन आए तो फिर नीचे भी आ सकता है। तो स्टॉक मार्केट है जिसमें आपको स्टॉक को होल्ड करना पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए, और साथ साथ लेवल्स और टारगेट की हम बात करें, अगर करेक्शन आता है तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका 200 डे का मूविंग एवरेज काफ़ी नीचे है, 555 रुपया, मतलब 555, और अभी स्टॉक का प्राइस कितना है 650 रुपीज़। और SCL टेक्नोलॉजी ये हमारा IT कंपनी है, अगर नाम बहुत सारे लोग कमेंट पूछते हैं नाम कंपनी का बताइए, क्योंकि नाम वो वीडियो को शुरू में देखते हैं, सारे पैरामीटर्स आपको देखना होता है, उसके बाद आप वीडियो से कुछ सीखते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, तो यहाँ पर हम सारे मतलब देखें लेवल्स और टारगेट, तो सबसे पहला लेवल जो आपको बनेगा वो 550 रुपीज़, पहला जो नीचे का सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 550 रुपीज़, इसका पहला सपोर्ट लेवल। यहाँ पर अगर आपको मिलता है तो आपको इन्वेस्टमेंट इसमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। 550 इसका सबसे पहला मतलब मुख्य सपोर्ट है। यहाँ पर आप देखते हैं हर बार यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी 550 के नीचे जैसे आया फिर से ये बाउंस बैक किया, लेकिन यहाँ पैंडमिक के कारण काफ़ी गिरावट आया था हर स्टॉक में, तो काफ़ी गिरावट इसमें भी आया। ये यहाँ पर भी देखते हैं 500 के ऊपर जैसे यहाँ से चलता है तो ये 550 को क्रॉस करने के बाद फिर से करेक्शन होता है, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेता है, फिर से ब्रेकआउट देता है। तो पहला हो गया 550, अगर यहाँ से ये ब्रेक होता है मतलब नीचे आता है तो इसका जो 500 है वो सबसे मेजर सपोर्ट है। 500 के नीचे ये स्टॉक्स आपको जल्दी देखने नहीं मिलेगा, तभी मिलेगा जब मार्केट में फिर से करेक्शन आए, एक भारी गिरावट आए, जो कि गिरावट आपको देखने बहुत कम रेयर केस है, बहुत ही रेयर केस में आपको उतनी बड़ी गिरावट देखने मिलेगा। तो कभी भी आपको 550 और उसके नीचे मिलता है तो ज़रूर इन्वेस्ट करें, और 500 के नीचे अगर मिला तो आंख बंद करके आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। इस कंपनी आपको आगे चलकर के काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देने वाली है, क्योंकि इस पैंडमिक का भी कुछ खास फर्क इस कंपनी पे नहीं पड़ा है अभी तक, जो IT कंपनियां हैं उस पे थोड़े बहुत पड़ा है कुछ बड़ी कंपनियां पर, इन सब ये जो मीडियम कंपनियाँ हैं बीच की कंपनियाँ इस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा अभी तक। तो यहाँ पर जो आपने देख लिया, यहाँ का ऊपर के टारगेट की बात करें तो ऊपर का हमारा पहला टारगेट होगा इसमें 700, दूसरा होगा 800, तो ऊपर जो है इसमें ये 900 तक जा सकता है, ऊपर का जो टारगेट है एक साल तक में ये 900 तक अचीव कर सकता है, 900 तक के प्राइस को। और नीचे आपने देखा लिमिटेड है, नीचे ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 500 जा सकता है। अगर 500 के नीचे कभी बहुत बड़ी गिरावट आ गया, बहुत बड़ा मार्केट में फॉल आ गया, नीचे गिरा भी तो ये बहुत जल्द रिकवर कर लेगा, मतलब 500 इसका सबसे मेजर सपोर्ट है। तो ये हो गया लेवल्स और टारगेट, तो आपको खुद आपको अब निर्णय लेना है कि आपको कहाँ से स्टार्ट कर देना चाहिए इसमें इन्वेस्टमेंट। अगर 1000 क्वांटिटी आप इसमें लेते हैं, अगर मान लेते हैं 100 ही क्वांटिटी लेते हैं, तो 10 क्वांटिटी आप जैसे 600 के नीचे आएगा तो ले लेंगे, कभी भी करेक्शन आता है अगर, तो जैसे 550 पाता है तो फिर उसमें 20 क्वांटिटी लेंगे, 500 पर कभी भी मिल गया तो फिर से 50 क्वांटिटी वहां पर लेंगे। इस तरह से आप एवरेज रूप से एक अच्छे लेवल पर आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये देखते हैं लॉन्ग टर्म का चार्ट काफ़ी बेहतरीन है, आप 2008 के भी क्राइसिस में देखेगा, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे पहले इसका 78-80 रुपीज़ के आसपास प्राइस था, वहाँ से ये गिर करके आया था 23 रुपया के, काफ़ी तेज़ी से रिकवर किया था। तो ये कई सारे क्राइसिस मतलब पीछे के क्राइसिस को भी सह चुका है, कई सारे क्राइसिस को 2001 के क्राइसिस में काफ़ी गिरावट इसमें आया था, फिर यहाँ पे भी देखते हैं जो गिरावट आया था उससे पहले इसका 600 रुपीज़ प्राइस हुआ करता था, वहाँ से ये काफ़ी ऊपर चल चुका है, मतलब यहाँ गिरावट आया उससे भी ऊपर जा चुका, जो कि हमारे इस पैंडमिक से पहले इसका प्राइस था उससे भी ऊपर जा चुका है ये स्टॉक्स। तो काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है और लॉन्ग टर्म चार्ट काफ़ी बेहतरीन है। आप देखिएगा जब भी देखिएगा 500 डेज में देखिएगा उसमें भी पॉजिटिव रिटर्न, 500 डेज में देख लीजिए इसमें भी पॉजिटिव रिटर्न 1.51, 1 मंथ में देखिएगा उसमें भी पॉजिटिव रिटर्न, मतलब आप जितने समय में देखिए ये पॉजिटिव रिटर्न दिया है, देखते हैं 1 मंथ में 12%, मतलब आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको निश्चित है कि बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। अगर आपको देखिए 6 मंथ में उसमें भी 8.63% रिटर्न, ईयर टिल डेट में उसमें भी पॉजिटिव रिटर्न, ईयर टिल डेट में भी देख लीजिए पॉजिटिव रिटर्न 13.76%, 1 ईयर उसमें भी पॉजिटिव रिटर्न, 1 ईयर में भी देख लीजिए 1 ईयर में भी पॉजिटिव रिटर्न 28.72%, इसी तरह 5 ईयर्स देख लीजिएगा 5 ईयर्स में भी पॉजिटिव रिटर्न
फाइव ईयर्स में भी देख लीजिए 36.60% का रिटर्न, तो हमेशा ये पॉजिटिव रिटर्न दिया। मैक्सिमम ईयर उसमें भी पॉजिटिव रिटर्न, तो हमेशा एस एल टेक्नोलॉजी है पॉजिटिव रिटर्न दिया है, चाहे आप शॉर्ट टर्म में लीजिए चाहे लॉन्ग टर्म में लीजिए। तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक जब भी आपको गिरावट मिले ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा। और ये तो इंडिया के जो है आईटी कंपनियों में, जैसे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस आ गया, उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है और तीसरी सबसे वेल रिप्यूटेड कंपनी है, वेल नोन कंपनी है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन दबा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।